हिना खान ब्रेस्ट कैंसर की तीसरे स्टेज से जूझ रही हैं, लेकिन इलाज के बीच भी काम पर पूरी एक्टिव हैं। हिना आए दिन अपनी हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर करती हैं। इस वक्त हिना खान कीमोथेरेपी का लास्ट सेशन ले रही हैं। कीमो सेशन के चलते उनके सिर के बाल और यहाँ तक की पलकें भी झड़ चुकी हैं, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मुश्किल समय में हिना अक्सर सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट करती हैं और अपना ध्यान बटाने के लिए वेकेशन पर जाती रहती हैं। हाल ही में हिना खान मुंबई स्थित हाजी अली की दरगाह पहुंची। हिना खान ने जुमे के दिन हाजी अली की दरगाह पहुंचकर वहां सजदा किया और अपने लिए मन्नत मांगी। एक्ट्रेस ने सुबह सुबह हिजाब पहनकर हाजी अली की दरगाह गई। हिना ने हाजी अली जाते वक्त के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। हाजी अली की दरगाह में फजर, जुमा मुबारक हो, दुआ। इसके साथ हिना ने दरगाह के अंदर की मजार के भी फोटो शेयर किए। बता दें, कुछ दिन पहले हिना खान ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो गोवा में एक महिला से मिली जो भगवान से हिना के लिए ये दुआ मांगती दिखी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हिना खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, देवी से मिलिए, ये उन लोगों में से हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं। हम गोवा के बीच पर रोज मिला करते थे और हमारी आपस में इतनी दोस्ती हो गई कि बिना फिल्टर के एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां शेयर करने लगे। स्वार्थ के बिना उनकी दयालुता और प्यार हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। आपकी दुआ और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आप मुझे प्रेरणा देती हो देवी। बता दें कि इस मुश्किल वक्त में लाखों फैंस उनके सपोर्ट में खड़े हैं जो एक्ट्रेस को इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत देते हैं। हालांकि कुछ फैंस उनकी चिंता करते हुए उन्हें घर पर आराम करने की सलाह भी देते हैं। फैंस की चिंता लाजमी है, मगर हाल ही में हिना ने कहा था कि सब अच्छा चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे दिन होते हैं तो बुरे दिन भी होते हैं। हर जगह दर्द है, लेकिन मैं उस साइड पर फोकस नहीं करती हूँ। मुझे काम करके मजा आता है, मुझे बिजी रहने में मजा आता है। हिना ने कई बार कहा कि फैंस और प्यार करने वालों की दी हुई हिम्मत से वो काफी एक्साइटेड हैं और वो जल्दी कैंसर से जंग जीत जाएंगी, पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी। नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।